पूरी दुनिया बड़ी त्रासदी से गुजर रही है। जी हाँ, प्रिंस चार्ल्स के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में राजघराने तक पहुंचने के बाद अब कोरोना वायरस की चपेट में सरकार भी आ गई है। देश को कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचाने की कोशिशों में जुटे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो सरकार की ओर से इस आपदा से निपटने का काम करते रहेंगे। ब्रिटेन में अब तक 12,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 578 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बोरिस जॉनसन में कोरोना इन्फेक्शन के लक्षण देखे गए और वो इस वक्त डाउनिंग स्ट्रीट में सेल्फ आइसोलेशन में है। इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर क्रिस विटी की सलाह पर उनका टेस्ट कराया गया था, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इससे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ब्रिटेन उन यूरोपीय देशों में से है जिसमें लॉकडाउन घोषित कर रखा है। ब्रिटिश पुलिस ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सड़क पर बैरिकेड लगा रखे हैं और वाहनों से घूमने वाले लोगों की जर्नी डिटेल मांगी जा रही है और यहां तक कि मानव रहित एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि सड़क पर लोगों की आवाजाही पर नज़र रखी जा सके। ऐसे में पूरी दुनिया जहां कोरोना वायरस की चपेट में है, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये वायरस ख़त्म होगा क्या, ये त्रासदी ख़त्म होगी या नहीं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।